हमने आपको ढूंढ ढूंढ के आप मिली नहीं। मैं उनके घर गई थी। कहाँ हो आप? हमारे घर में चलती हो? चलो दीदी चलो। सुनो दीदी, हमने आपको इतना ढूंढा ना, हमने बोला दीदी कहाँ गई। अच्छा हाँ। मैं वो बच्ची एक मिल गई थी। कौन थी वो जो जिसका वो घर है ना? हाँ, सन है उसका नाम। हाँ, वो यहाँ दीदी साइड रहो। दीदी आपको हमने ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पे हमने बोला। आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा। और आपका? मुंतहा। मेरा नाम आरिजू। आरिजू। हाँ, प्यारा नाम है आपका। आपका भी बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम है अजहा। अजहा। और आपका? हाँ, महविश। महविश। हाँ यार, आपके नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं। मेरा नाम तो बहुत पुराना, ओल्ड फैशन। नहीं, आपका बहुत आपका बहुत आपका बहुत हमारे जैसा, आपका हमारे से भी बहुत अच्छा नाम है। नहीं, मुझे तो आपका ज्यादा अच्छा लगा। मुझे आपका अच्छा लगा। नहीं गए हो? आपके घर से कोई आया अजमेर? नहीं। अजमेर में तो इतनी बड़ी दरगाह है। नहीं, कभी नहीं हम गए हैं। अच्छा, तो ये कश्मीर में मुझे मिला है बैटनोवेट। ये क्रीम मैं आई थिंक बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। जब 19 रुपीस की आती थी ये, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम। कुरसुम। कुसुम। अच्छा नाम है। तो आप यहीं रहते हो? नहीं, अच्छा, ये आपका घर है। आप भी पढ़ाई करते हो? जी। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंकल के घर में थे। अच्छा, क्या करते आप लोग? क्या करते हो दिन भर यहाँ पे? सर्दी अभी तो जैसे इस बार तो कम है, लेकिन वैसे तो सर्दी बहुत ज्यादा होती है ना यहाँ पे। तो क्या करते हो घर में? दिन भर घर में रहते हो? हाँ। बोर नहीं मारता है? इंटरनेट चलता है यहाँ पे जी, सर्दियों में भी? हाँ। और पानी? पानी भी होता है। पानी होता है, लेकिन पानी तो जम जाता होगा। कभी कभी जम जाता है। तो फिर जब जम जाता है तो क्या करते हो? पानी डालते हैं उसको, फिर गर्म करके यूज करते हो? वेलकम टू माय हाउस, ये किसने लिखा है? आओ। अच्छा, आप लोग खाना खा रहे हैं? खा लीजिए, मैं बाहर बैठती हूँ। उधर आप खाना खाओ। नहीं नहीं चाय पियो? नहीं बस। कहाँ रहते हो? मैं वैसे अजमेर। अजमेर? हाँ जी। तो यहाँ किस लिए? ऐसे ही घूमने, लोकल लोगों से मिलने। श्रीनगर ही थी तो उन्होंने बोला ये फकीर गुजरी चले जाओ, अच्छी जगह है। तो फिर और कोई है साथ? ये बच्चे हैं ये मिल गए, यही घुमा रहे हैं। चाय पियो। आप लोग खाना खाइए आराम से। तुम भी खाओ खाना। नहीं नहीं, मैं तो खा सुबह नाश्ता करके ही आई थी, वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ। मतलब सुबह कितनी बजे कौन कौन सी चाय पीते हो? सबसे पहले सुबह उठते ही नमकीन चाय और जो बैठती होती है या उठने के बाद? हाँ। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद 11 बजे लिप्टन चाय, फिर इस टाइम लंच करते हैं, फिर 4 बजे नमकीन चाय पीते हैं। नमकीन चाय में क्या नमक डलता है? अच्छा, नमक क्यों पीते हैं पता नहीं। ओके। और वैसे आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा मतलब फेवरेट, रात को नींद में भी उठा के बोलो कि खाना है तो आप खा लोगे वो वाली डिश? बिरयानी। बिरयानी, चिकन बिरयानी। हाँ। चिकन ज्यादा पसंद है? मतलब यहाँ पे ज्यादा चिकन खाते हैं। मुझे चिकन बिरयानी, सबको बिरयानी पसंद है? आपको भी? मतलब आपकी मम्मी बिरयानी अच्छी बनाती है इसलिए आपको वही पसंद है। कितने साल के? मतलब कश्मीर में डिफरेंस देखा है जैसे पहले से अभी? पहले ज्यादा यहाँ पे मतलब पत्थरबाजी और ये सब होती थी, तब आप कितने साल के थे जब ये सब होता था? छोटी थी। तो आपने देखा है कभी ऐसे कि कोई एकदम से आ गया पत्थर पत्थर मारने लग गया? नहीं देखा है? नहीं। तो आपने हमेशा मतलब शांति देखी है? तो आपको कश्मीर में रहना अच्छा लगता है या कहीं बाहर जाने का मन करता है? नहीं, कश्मीर में ही रहना अच्छा लगता है। कश्मीर। अच्छा, इस पर बर्फ नहीं गिर रही है तो आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है कि यार बर्फ नहीं गिरी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्यों? लोग तो दूर दूर से बर्फ देखने आते हैं यहाँ पे।
देखी है ना, बहुत बहुत देखी है तो इस बार सुकून लग रहा है कि हाँ धूप अच्छा निकली हुई है, काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा सर्दियों में वैसे काम नहीं होता है, घर ही में होते हैं ना, बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाहर नहीं निकल पाते, इस बार बाहर निकल रहे इसलिए मजा आ रहा है। अच्छा आपने कहाँ कहाँ घूमा है, श्रीनगर घूमा है? हाँ। श्रीनगर में क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? सब कुछ ही पसंद है। नहीं फिर भी एक फेवरेट होता है ना प्लेस? प्लेस मुगल गार्डन। अच्छा और कश्मीर से बाहर कभी गए हो? कभी नहीं गए बाहर, कश्मीर में ही रहे हो हमेशा से। ये है क्या बुखारी? अच्छा तो ये है बुखारी, इसमें अंदर लकड़ियां रखी हुई है, वो ये जो बाहर रखी है सूखी लकड़ी। सूखी। तो ये हीटर का काम करता है? अच्छा मतलब सर्दियों में इससे पूरा घर गर्म हो जाता है यार, सब गर्म हो जाता है। देखो खिड़कियां भी खोल दिए। ये लकड़ी किसके लिए काट रहे हैं आप? इसलिए हाँ बुखारी के लिए। अच्छा बुखारी के लिए। तो इस बार तो आपको राहत लग रही होगी, इतनी बर्फ नहीं पड़ी है। हाँ। अच्छा लग रहा है या बुरा कि बर्फ नहीं पड़ी? बुरा ही लग रहा है। बुरा लग रहा है क्यों? इससे खुशकसाली या कुछ नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? फसल कुछ नहीं बनेगी। फसल नहीं बनेगी। हाँ। तो आपको होटलों में तो मिल जाता है गरम हीटर, लेकिन ये है कश्मीर का बिल्कुल देसी वाला हीटर। ये किसका बना हुआ है? पीतल लोहा। अच्छा तो ये लोहे का हीटर है जिसमें अंदर यहाँ पे आग जल रही है, लकड़ियाँ कैसे डालते हैं? अच्छा यहाँ से अंदर लकड़ियाँ डाल के वहाँ मस्त गर्म हो रहा है ये, इससे पूरा घर सर्दियों के टाइम पे गर्म हो जाता है जब 10-10 फीट ऊंची बर्फ होती है। और पापा बंद है? तो यहाँ हर घर में आपको गाय भी देखने को मिलेगी, सब लोग गाय का ही दूध पीते हैं। ये गाय है, ये अलग ही टाइप की गाय है। मैडम अंदर जाओ, छोटा बछड़े को भी देखो, डरो मत। नहीं डर नहीं रही बेटी है। नहीं नहीं सारी गाय को अभी टॉयलेट आया है, उसको भी आ गया। तो ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ये अखरोट का पेड़, और यहाँ पे लोग अखरोट जो है सर्दियों के टाइम पे सुखा के रख, गर्मियों के टाइम पे सुखाते हैं? सर गर्मियों में तैयार होते हैं। हाँ। रखते हैं विंटर के लिए सुखा के। अच्छा तो गर्मियों में निकाल के और सर्दियों में उसको सुखा के रख देते हैं। अच्छा तो उसका सुखा क्या कुछ बनाते भी है या ऐसे ही खाते हैं? खाते भी है, चटनी भी बनाते हैं। अखरोट की चटनी बनाते हैं? अच्छा उस वक्त होगा जून में चेरी तैयार है। क्या होगा? चेरी। चेरी क्या होता है? चेरी आपने देखा? चेरी। अच्छा रेड वाला वो जो चेरी होता है। हाँ। वो होगा उस वक्त तैयार जून। अच्छा जितना मर्जी उतना खाओ। पिछली बार मैं कश्मीर से वो एप्पल भी लेके गई थी, बट वो तो पता नहीं नकली दिए थे, जाने क्या नकली था। दिया होगा। वो तो कीड़े लग गए उसमें थोड़े ही दिन में। जिस वक्त तुम आएगी हम तुझे अपने दे देंगे, फिर देखना। वैसे एप्पल का सीजन क्या होता है कश्मीर में? वो जून जुलाई होता है। अच्छा जून जुलाई में एप्पल होता है, चेरी भी होता है, नाशपाती होता मतलब है। जो मेन अच्छा सीजन है वो जून जुलाई का ही सीजन है। हाँ, कश्मीर घूमने का। हाँ, विंटर वाला नहीं है। नहीं। तो अभी मैं पी रही हूँ लिप्टन वाली चाय। हाँ मस्त मीठी मीठी है। गरम हो रही है क्या? अच्छा ये चाय है। हाँ। अच्छा इस चाय में क्या क्या डाला हुआ है? पानी।
पानी, अभी सिर्फ चाय और पानी है। अभी सिर्फ चाय और पानी है। कौन सी चाय है ये? लिप्टन नमकीन चाय, पिंक पिंक टी। तो ये है भाई कश्मीरी अखरोट, जो वैसे तो गर्मियों के सीजन में होते हैं लेकिन अभी सुखा के रखे हुए हैं। तो अभी इसको बिना फोड़े आपने सुखा रखा, तो ये और टाइट नहीं हो गई होगी? तो बहुत टाइट है, टाइट हो जाती है। किससे तोड़ते हैं इसको? पत्थर से। तो ये अखरोट टूट गया है जी, बहुत है। ठंड की वजह से आपके हाथ काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत है। हाँ ये देखिए छेद, यही खाना खाऊंगी। खाना है नहीं? तो ये इस तरह से, ये है रियल अखरोट। अच्छा असली अखरोट की क्या पहचान होती है, मतलब कैसे पहचान? घर वाले के पास होगा, नकली होगा। दुकान वाले के पास नकली, पूरा नकली ही है, पूरा नकली। असली कहीं नहीं मिलेगा? तो जैसे टूरिस्ट, अच्छा मतलब गांव में आके खरीदेंगे तो मिल जाएगा? अगर किसी के घर में होगा जैसे हमने रखे हैं तो ये असली है, बाकी सब नकली है। अच्छा ये पांच बहन है, 1 2 3 ये मेरे बहन की है। अच्छा ये बहन की। पांच बहन और भाई? कोई? अच्छा लड़का नहीं है, कोई बात नहीं। क्या आजकल सब सेम ही है? तो ये किचन में आपको ऐसे बर्तन ऊपर की तरफ पूरे सजाए हुए मिलेंगे। आपको यहाँ पे सब घरों की छतों पे दिखाई देगा ये एल्युमिनियम का ऊपर से जो लगा हुआ है, और इसके बीच बीच में आपको लकड़ी दिखाई देगी। अब ये क्यों लगाते हैं वो हम आगे चल के पूछते हैं। बाकी हर घर का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, बस जो नए इस तरह के कंस्ट्रक्शन हो गए मतलब पक्के घर है उनका अलग है, बाकी जो भी थोड़े पुराने टाइप के घर है उन सब में इस तरह से लकड़ी मिलेगी और ऊपर शेड लगा हुआ मिलेगा। उर्दू में बोल दो। तो भाई कश्मीर की मेहमान नवाजी इतनी ज्यादा है कि मुझे यहाँ पे बुला के और ये चाय और इतना सारा सब कुछ दे दिया है। कहाँ था? नहीं है, ऊपर था, उधर था महादेव। अच्छा महादेव में जाते थे, हिंदू लोग जाते थे। अच्छा अब बहुत जाते थे, एक ही नहीं जाते थे उस वक्त, जाते थे 5,000 10,000 20,000 इतने जाते थे। ट्रैकिंग चल रही थी ऊपर महादेव में। महादेव तो आप जिस वक्त जाएगी बोलेगी मैं कश्मीर वापस नहीं जाऊंगी, मैं वहीं रहूंगी। अच्छा इतना सुंदर है, इतना अच्छा है वो। पानी दोनों तरफ चलता है महादेव में, इस तरफ चलता है उस तरफ पानी चलता है, ग्लेशियर है ऊपर से। तो अब वहाँ टूरिस्ट नहीं जाते हैं? जाते हैं, अभी जाते हैं, ठीक होगी ना अपनी। अब टेंशन कुछ नहीं है, जो पहले टेंशन थी वो दहशत गर्दी थी मिलिट्री वो खत्म, अभी मत है, अभी अमन है अभी नहीं। अब तो आजकल तो लोग पूरा उरी पुलगाम सब सब जगह जाने लग गए, जा रहे हैं। टेंशन आप कोई बोलेगा आपको कुछ है डर है कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ लगा हुआ है ये, हम आप लोग नहीं करते हो, हम लोग करते हैं। क्या है ये? किसी की नजर ना पड़ जाए कुछ। हाँ करते ना, हमारे यहाँ पे नींबू मिर्ची लगाते हैं घर के बाहर। हम लगाते हैं ये। ये क्या है? यह इसका शीप, शीप का सींग है, सींग है। असली? अच्छा इससे नजर नहीं लगती है घर पे किसी की। अच्छा तो यहाँ के घरों में नजर नहीं लगाने के लिए जैसे हम लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं, ये लोग भेड़ के वो लगाते हैं सींग। मैंने सोचा कश्मीर का मधुमक्खी कैसे खाएंगे। हनी खाया आपने कश्मीर का? हनी नहीं खाया। अच्छा कश्मीर का बाहर का है? तो हनी मैंने तो डाबर का खाया है, मतलब जो आता है बाजार का। कश्मीर में हनी भी अच्छा होता है? अच्छा खाते हैं वो, डाबर का नहीं। अच्छा वो भी घर में ही होता है यहाँ पे। तो मधुमक्खी का छत्ता कहाँ है?
मधुमक्खियाँ हमारा इस वक्त हमारी जो मधुमक्खी वो राजस्थान में है। अच्छा हम सर्दियों में उधर ले जाते हैं। अच्छा एक रखा है हमने यहाँ। अच्छा एक बकस रखा है। अच्छा आप लोग उसी को खाते हो मीठे में, मतलब किस में मिलाते हो शहद? किसी में नहीं, ऐसे ही ऐसे खाते हैं, मतलब चाय में किसी या रोटी के साथ खाते हैं। रोटी के साथ शहद खाते हैं आप लोग? अच्छा फायदा करता है वो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, सच में दिल से थैंक यू। बाय बाय। इसमें लिप्टन का टेस्ट आ रहा है। तो देखा आपने कितने प्यारे और कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, मतलब हर जगह जहाँ पे भी मैं गई मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले, सबने अपने घर में बुलाया, चाय पिलाई, बहुत ही अच्छे से बात बात की। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कश्मीर सेफ है अनसेफ है, अकेले ट्रैवल कर सकते या नहीं कर सकते, तो मैं तो ऐसे प्लेसेस में आई हूँ जो टूरिस्ट प्लेसेस भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा यहाँ के लोगों से मिल के, बातें जान के। हालांकि इस बार यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी है तो यहाँ का जीवन थोड़ा लाइट हो गया है, थोड़ा अच्छा हो गया है, इन लोगों के लिए काफ़ी मतलब अच्छा रहा है। लेकिन आप जब आएंगे तो हो सकता है बर्फ़ पड़ी और तो सुंदरता और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही था, बाय फ्रेंड्स।